हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करेंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे टैरो से। एक डेक से मैं ये देखूंगी कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, आपके पार्टनर्स के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, और इस डेक से मैं देखूंगी उनकी करंट एनर्जी, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अप एंड डाउन्स क्या चल रहे हैं, क्यों बातचीत नहीं है या क्यों क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। जो भी पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन। एट ऑफ वॉन्ड्स, बात करना चाहते हैं आपसे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, करंट एनर्जी। एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ एंड रीबर्थ विद टू ऑफ पेंटिकल्स। निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में अटके हुए हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर कपल आया है जो कि ये बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उनकी वजह से, या तो वो दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर किसी तरीके का, आपसे दूर रहने के लिए, आपसे डिस्टेंस बनाने के लिए, अपने करियर पर फोकस करने के लिए, या अपने उनकी मर्जी से आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर सभी साइंस हैं, यहाँ कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस भी आ चुका है, और यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये दो साइन बहुत स्ट्रांग है, उसके अलावा यहाँ सारे साइंस हैं। तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंट एनर्जी मैं बता देती हूँ। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, या तो उन्होंने आपको धोखा दिया है, या तो उन्होंने आपसे भागने की कोशिश की है, कमिटमेंट के नाम पर मूव ऑन करने की कोशिश की है, या अपनी किसी बात से आपको तकलीफ पहुँचाई है, हर्ट किया है आपको, उस चीज़ की वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो वापस आना चाहते हैं बहुत जल्दी में, जैसे दौड़ते हुए आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ये उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावे में है। यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, तो यहाँ पर पेरेंट्स से भी आर्ग्यूमेंट्स दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स से इन्होंने क्लियरली बोल रखा है, या इन्होंने अपने दिल की बात शेयर कर दी है और सब कुछ छोड़ दिया है कि अब जो आप डिसीजन लें, अगर आप मानते हैं तो मुझे खुशी होगी, वरना मैं वही करूँगी या करूँगा जो मुझे सही लगता है। इस तरह की क्लियर कम्युनिकेशन हो चुकी है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। अब आते हैं दूसरे लोगों के ग्रुप में जो कि मैरिड हैं ऑलरेडी, हो सकता है कि आप अलग मैरिड हो, वो अलग मैरिड हो, तो ऐसे जो लोग हैं, या एक सिंगल हो एक मैरिड हो, उनके लाइफ में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अगर मैरिड हैं तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश इन्होंने पास्ट में करी है, लेकिन अब ये रोकते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब इन्हें एक एक्शन लेना पड़ेगा, दो में से एक सिचुएशन को इन्हें परमानेंटली अपने लाइफ से रिमूव करना होगा। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसके बाद ये एक सिचुएशन एंड करेंगे, डेथ, और फिर एक नई शुरुआत करेंगे, रीबर्थ। अब आते हैं थर्ड लोगों के ग्रुप में जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपके और आपके हस्बैंड या आपके और आपके वाइफ के बीच में कोई ना कोई मैनिपुलेटिव है, या तो आपके परिवार से कोई प्रॉब्लम हुई है, या तो उनके फैमिली से कोई प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों के मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी भी दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके वर्क प्लेस पर या उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा, या तो उन्होंने आप पे शक किया है, या तो आपने उन पे शक किया है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो तीनों ग्रुप्स की एनर्जी मैंने बता रखी है। यहाँ पर जो भी सेपरेशन में है, जिनकी बातचीत अभी तक नहीं हो रही है, उन्हें गुड न्यूज़ दे दूँ
आपके पार्टनर्स आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं और आपसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, या फिर आपको बुला सकते हैं, या फिर मैसेज के थ्रू बात हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी यहाँ पर कमिटमेंट भी मिलने के चांसेस हैं, कुछ मेजर एक्शंस होंगे। अब मैं देखती हूँ कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, करंट एनर्जी, करंट लेवल पे क्या सोच रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी सोच रहे हैं प्लीज़ गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मजिशियन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दोनों मेजर अरकाना। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले तो मजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पर। मजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक जादू हो और सब कुछ उनके छड़ी घुमाते ही सब कुछ परफेक्ट हो जाए, जैसा कि आप दोनों चाहते हैं इस रिलेशनशिप में सब कुछ वैसा का वैसा हो जाए। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से उन्हें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, उन्हें भी ऐसा फील होता है कि आपके साथ उनका किस कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कुछ कर्मा साइकिल में वो अटके हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन हो। लेकिन ये आपको स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें इन्हें पता चलती रहती हैं, या तो खुद से या तो किसी के थ्रू, बट ये सब कुछ जानते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना चाहते हैं, पूरी तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत दिनों से या कई महीनों से इन्होंने अपने सारी इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है और अब ये उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आया है द स्टार, ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है तो सभी साइंस हैं, देखिए यहाँ पेंटिकल्स भी बने हैं, कप्स भी बना है, सोर्ड भी बना है और वॉन्ड्स भी बने हैं, तो ऑल साइंस आर देयर। वैसे यहाँ पे पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, कैंसर स्ट्रांग है, यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे टॉरस स्ट्रांग है। फिर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली पेज की एनर्जी है, तो आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का गिफ्ट, किसी तरह की इमोशंस या मैसेजेस आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकते हैं, हालचाल आपका ले सकते हैं और उस बहाने से आगे बातचीत बढ़ते हुए नज़र आ रही है। फिर हमारे पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल आ जाए इनके अंदर एक अलग सी पावर आ रही है कि ये इनसिक्योरिटी से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ये ख़त्म करेंगे। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसा कि हमने अभी इनकी करंट एनर्जी में देखा कि ये जिस सिचुएशन में अटके हैं, जिस वजह से आपसे रियूनियन नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ा एक्शन यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कर्मा साइकिल यहाँ एंड होते हुए नज़र आ रही है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द फूल, डेथ आया है तो द फूल तो आएगा ही, डेथ के साथ फ्री होता है टावर या द फूल। यहाँ न्यू बिगनिंग दिख रही है, कुछ ख़त्म करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, केयर फ्री होके। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है और पाइसिस बहुत स्ट्रांग है इस कलेक्शन में, तो ये फीलिंग्स हैं इस वक्त आपको लेकर आपके पार्टनर्स की। इवन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, रिलेशनशिप को लेकर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, लेकिन इसके पहले मैं रून से देखूंगी, पहले हम रून से देखेंगे हमेशा की तरह, और फिर हम यूज़ करेंगे साइकिक टैरो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स,
ओके यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस जर्नी में हैं। यहाँ पर अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं या अपने कर्मा से डील कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर हो सकता है कि आपको सेक्रीफाइस करें, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस दिख रही हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आने वाला है, इवन अगर अभी आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो कुछ लोगों को अचानक से ब्लॉक करा जा सकता है या कोई रीज़न देकर आपसे ऐसा लगता है कि जैसे आपसे बिना किसी एक्सक्यूज़ के वो आपको ब्लॉक कर दें और बाद में आप सोचते ही रह जाएं कि यार मैंने मेरी गलती क्या थी, या मैंने तो इनको कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तो आप में से कुछ लोग जो कि अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये टेम्प्रोरी होगा, कुछ टाइम के बाद वो आपके लाइफ में रिटर्न आने के चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर वो गुस्से में हैं, वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, और यहाँ पर मैंने आपको ये वार्निंग मैसेज दिया है कि अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इस हफ्ते ज़्यादातर कोशिश करें, कल परसों भी मैंने ये वार्निंग दी थी, इस हफ़्ते ज़्यादातर कोशिश करें कि सामने से कॉन्टैक्ट ना करें, हो सके तो बिल्कुल भी ना करें जब तक उनका मैसेज ना आए, चेज़ बिल्कुल ना करें, ठीक है। और शादी को लेकर या कमिटमेंट को लेकर इस वीक में तो बिल्कुल भी मैसेज ना करें कि शादी का क्या है, कमिटमेंट का क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी प्रेशर वाला बात उनसे ना बोलें, ठीक है। ये अगेन मैं आपको आज वार्निंग मैसेज दे रही हूँ, और मैंने परसों भी दिया था, और आप में से कुछ लोगों ने गलती की और उन्होंने कमेंट में भी लिखा है और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है कि मैंने गुड मॉर्निंग मैसेज कर दिया और उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो मैंने मना करा है। तो आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट अगर उनका आता है तो रिप्लाई दे दीजिए, अदरवाइज़ गुड मॉर्निंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो आप रुक जाएं कुछ दिन, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। अब बात करते हैं जो लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, उनकी रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत पावरफुल तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस समय हाईली इंट्यूटिव हैं, स्पेशली अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस समय अवेकन हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग बहुत टाइम से आइसोलेशन में थे और अब उस आइसोलेशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पावरफुल सोल के रूप में एक बहुत ज़्यादा अवेकन, बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी उनके अंदर आई है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लाइफ में खुलते हुए नज़र आ रही हैं, जैसे उनकी जॉब्स अगर नहीं चल रही थी, या उनके फाइनेंशियल लॉसेस अगर हो रहे थे, या उनके कोई केसेस अटके हुए थे, या उनके कोई कुछ भी जो जिस चीज़ में भी वो अटका हुआ फील कर रहे थे, वहाँ से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। फटाफट से चीज़ें निपटती हुई नज़र आ रही हैं कंप्लीशन की तरफ। आपकी तरफ बहुत पावरफुल एक्शन उनकी तरफ से आप डिज़र्व करते हैं और आपको मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, या तो आप या तो आपके पार्टनर्स, किसी तरह की अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं। अगर आप भोर में उठ जा रहे हैं, या अगर आप योगा मेडिटेशन में ध्यान लगा रहे हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा चेंज फील कर रहे हैं अपने अंदर, तो आपके पार्टनर्स भी यहाँ पर अवेकन होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अवेकन हो चुके हैं और आपके पार्टनर से आप बात कर रहे हैं, तो पार्टनर हो सकता है उन्होंने आपसे डिस्कस करा हो कि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, या मैं अपनी डाइट पर बहुत काम कर रहा हूँ, अब मैंने वेट लॉस किया है, या इस तरह की चीज़ें वो आपसे शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक अवेकनिंग साइन होता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। फिर यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत फास्ट एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके आगे ऐसा जैसे कि उनके आंखों पर कोई पट्टी बंधी थी और वो पट्टी खुलते हुए नज़र आ रही है, और उनको सब कुछ साफ नज़र आ रहा है कि उनको लाइफ में इतना टाइम उन्होंने क्यों बर्बाद करा। उनको तो ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, सालों पहले कर लेना चाहिए था, उन्होंने आपको क्यों सेक्रीफाइस करा इतने टाइम तक। तो आप में से कई लोगों के पार्टनर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिवली एक्शन लेने वाले हैं। कुछ लोग, बहुत कम लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आने वाले वीक में, मतलब ये जो हफ्ता चल रहा है,
इस वीक में बार बार कुछ लोगों के लिए एनर्जी आती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़्यादातर लोग रीडिंग्स देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को मैं वार्निंग मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये वार्निंग मैसेज हैं जो पिछले 3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं। और ये वार्निंग मैसेज है अगेन कि जो लोग गलती ना करें ताकि आपका प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आपके लाइफ में, जो कि चल रहा है सब कुछ अच्छा तो अच्छा चलता रहे, तो इस चीज़ के लिए आपको मैं वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। उसको हल्के में लीजिएगा जस्ट एज अ वार्निंग। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, ट्रुथ, डेस्टिनी, मैसेजेस, मैसेजेस तो सबको रिसीव होने वाले हैं पक्का। करंट एनर्जी में भी आया और नेक्स्ट एक्शन में भी आ गया। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का रीयूनियन दिख रहा है मुझे आने वाले 2 दिन, 2 घंटे, 2 हफ्ते के अंदर। और जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं वो बिल्कुल बातचीत करें अपने पार्टनर से, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातचीत करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट सामने से मैसेजेस ना करें, डिस्टर्ब ना करें उन्हें कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, या ऑनलाइन क्यों हो, किससे बात कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फालतू में गुस्सा आप पर निकल जाए, उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। जो नो कांटेक्ट में है उनको मैसेजेस आने वाले हैं, डेफिनेटली यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, तो इस ये क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं या स्पिरिट आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और ओके, थैंक यू। सो आप सबको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहें अपने लाइफ में, रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, पॉजिटिव रहें और रीयूनियन ज़रूर होगा। जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं आपके पार्टनर्स, वहाँ से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे बिल्कुल पॉजिटिवली। और डेस्टाइन कनेक्शन है, आप में से ज़्यादातर लोग अपने सोलमेट्स या हो सकता है कुछ लोग अपने ट्विन से डील कर रहे हों, तो अपने ऊपर इनर वर्क करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 2, आने वाले 2 दिन, 2 घंटे, 2 मिनट या मैक्सिमम 2 वीक्स। यहाँ पर आपका रीयूनियन दिख रहा है, जो लोग जितनी जल्दी रिसीव करेंगे उतनी जल्दी आपका जो सिचुएशन अटका हुआ है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो सकते हैं, लेकिन इनको कुछ सच्चाई सामने आते हुए नज़र आ रही है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, जिसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ने का एक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे एक पास्ट लाइफ कर्मा को रिलीज़ करना, पास्ट लाइफ कर्मा से बाहर निकलना, इस तरह की एनर्जी है। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के, प्लीज़ गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, बी असर्टिव, रिकंसीडर, कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कोई भी डिसीजन अपने लाइफ का 2 बार सोच कर लें, सोच समझ कर डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि किसी बड़े की हेल्प लेने से आपके रिलेशनशिप में या आपके जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी, तो ज़रूर उनसे डिस्कस करें, उनसे हेल्प लें। और फिर कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है कि अपने पार्टनर से अगर बात होती है तो उनसे आपको बात करने में इतना तो पता चल ही जाएगा कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, कि वो आपके साथ सीरियस हैं, या वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो आप उस वे में उनसे क्लैरिटी लीजिए, ठीक है। सामने से उनसे ये नहीं पूछना है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे या कमिटमेंट देंगे, कब तक देंगे, एक्सेट्रा। लेकिन जब इंसान किसी से बात करता है तो अपनी इंट्यूशन से वो इतना ज़रूर गेस कर लेता है कि किस हद तक वो सीरियस हैं आपके साथ। तो थोड़ा सा अपना दिमाग का भी यूज़ करें, यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है। सो
ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको गाइड करती है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।